नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। लगभग एक महीने में चौथी बार पीएम मोदी गुजरात पहुंचे। मौका था बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा के समापन का। चुनाव के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी पूरे चुनावी रंग में रंगे नजर आए। गले में भगवा पटका और सीने पर कमल के निशान के साथ पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चौतरफा हल्ला बोल दिया, चुनौती भी दे डाली और चेतावनी भी। बत्तीस दिन में पीएम मोदी चार बार गुजरात पहुंच गए। इस बार मौका था गुजरात गौरव यात्रा के समापन का। मौका सियासी था, माहौल भी सियासी बना। पीएम मोदी की वेशभूषा चुनावी थी तो जुबान से निकले शब्द बार चुनावी, और कांग्रेस पर जमकर बरसे। बोले, कांग्रेस ने मुझे जेल भेजने का षड्यंत्र किया। कैसे कैसे षड्यंत्र किए थे आपने? मुझे जेल में डालने के लिए आपने तय किया था, जब तक अमित शाह को जेल में नहीं डालेंगे मोदी तक पहुंच नहीं पाएंगे। और आज देख लिया सच कैसे उभर करके आ गया। हम कहां है, आप कहां है। मन से पीएम मोदी ने अमित शाह की पीठ थपथपाई, चुनाव में उनकी रणनीति की तारीफ कर डाली, यहां तक कि उन्हें यूपी का मैन ऑफ द मैच बता दिया। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी धरती के संतान अमित भाई का आज बधाई देना चाहता। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के नतीजे हिंदुस्तान के लोगों को चौंका दिया था, और तब मैंने कहा था इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। राहुल गांधी के विकास पागल होने वाले बयान पर मोदी खूब बरसे। बोले, कांग्रेस सांप्रदाय और जातिवाद से चुनाव लड़ती है, विकासवाद जीतेगा और वंशवाद हारेगा। भाइयों बहनों, आज चुनाव हमारे लिए विकासवाद का जंग है, उनके लिए वंशवाद का जंग है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विकासवाद जीतने वाला है, वंशवाद हारने वाला है। राहुल गांधी के बयान पर भी पीएम मोदी ने तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा था मुझे जवाब का सवाल चाहिए, तो पीएम मोदी बोले मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ, जवाब का सवाल नहीं। कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमानती पार्टी बता डाला। नोटबंदी वाले दिन यानी 8 नवंबर को कांग्रेस के लिए ब्लैक डे बता दिया। मैं क्या सोशल मीडिया में क्या छापा में वाचू कि कांग्रेस पार्टी 8 नवंबरे जे दिवसे नोटबंदी थई थी ए दिवसे ब्लैक डे मनावानी छे। केटलो सरस सूझ्यू, बोलो एमने। अमे 8 नवंबरे ब्लैक मनी मुक्ति दिवस मनावाना छे, અને એ લોકો બ્લેક મની ડે બનાવવાના છે। આપકો બતા દે કે પીએમ મોદી ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા કે સમાપન કે મોકે પર પહોંચે થે। 1 અક્ટોબર કો શરૂ હુઈ યે 15 દિવસીય યાત્રા 4471 કિલોમીટર કા સફર તય કરતે હુએ 149 વિધાનસભા ક્ષેત્રો સે હોકર ગુજરી। સીએમ યોગી ભી 2 દિન કે લિયે ઇસમે શામિલ હુએ। બ્યુરો રિપોર્ટ, સમાચાર પ્લસ।